हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का न्यू ओवरटेक में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली मेट्रो की तरफ से बम्पर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डीएमआरसी की तरफ से जारी हुआ नोटिफिकेशन की भर्ती की पूरी जानकारी के बारे में। दोस्तों, ये जो भर्ती है 2020 की भर्ती कहलाएगी और यहाँ पर 1492 से अधिक पदों पर यह भर्ती निकाली जा रही है। ऑल ओवर इंडिया की जॉब है। चलिए सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। दोस्तों, यहाँ पर सारी की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स मेंशन कर रखी है। क्वालिफिकेशन, कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, सैलरी मेंशन कर रखी है, कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसीज है, सारी जानकारी यहां पर दी गई है। और यहां पर यह भी बताया है आवेदन कब से कब चलेंगे, कैसे आवेदन करना है, आयु सीमा के बारे में बताया है। सारी की सारी जानकारी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, इस नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी मैं आप सभी को देने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी से शिकायत है, आप वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और रोजाना लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे लाल बटन को दबा करके और घंटी का बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और दोस्तों, दिल्ली मेट्रो के अलावा दूसरी मेट्रो की भर्तियां भी आ चुकी है। मुंबई मेट्रो की भर्ती भी आ चुकी है और यहां पर गुजरात मेट्रो और लखनऊ मेट्रो, काफी सारी मेट्रोज की भर्ती आ चुकी है। इवन रेलवे की भर्तियां भी आ चुकी है। उन सभी की जानकारी और आवेदन करने का लिंक एक्टिवेट है हमारी वेबसाइट पर। तो यहां पर आप जाएं www.tipswirebus.xyz, आप गूगल में सर्च करेंगे तो आप सीधा हमारी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहां पर आप जाकर के सभी मेट्रो की भर्तियों की जानकारी ले सकते हैं और आप आवेदन भी कर सकते हैं। तो चलिए आपको सीधा हमारी वेबसाइट की ओर लेके चलते हैं और हम बात करते हैं दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन डीएमआरसी की तरफ से जारी की गई नोटिफिकेशन की। और दोस्तों, यहां पर कौन कौन सी पोस्ट है, आप जैसा कि देख सकते हैं, रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है जो कि 929 पोस्ट है और रेगुलर एग्जीक्यूटिव की 60 पोस्ट है, कॉन्ट्रेक्चुअल नॉन एग्जीक्यूटिव की 398 पोस्ट है और कॉन्ट्रेक्चुअल एग्जीक्यूटिव की 105 पोस्ट है। टोटल मिलाकर यहां पर बताया जा रहा है 1492 पोस्ट यहां पर बताई जा रही है। आवेदन यहां पर ऑनलाइन बताए जा रहे हैं। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में यहां पर रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। और यहां पर सैलरी भी यहां पर काफी हैंडसम मिलेगी। न्यू दिल्ली इंडिया की जॉब लोकेशन रहेगी। और यहां पर एज लिमिट बता दूं मैं आपको, 18 से 30 साल होगी, उसके अलावा आयु सीमा में छूट होगी। और एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए ₹500 है, वहां पर एससीएसटी के लिए और पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं तो ₹250 है। अधिक जानकारी के लिए हम आपको सीधा नोटिफिकेशन की ओर लेके चलते हैं। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन जो है हमें मिला है गूगल में सर्च करने से। जी हां दोस्तों, आपको बता दें सोशल वेबसाइट से गूगल में हमें ये सर्च करने से मिला है। और आपको बता दें, अभी तक दिल्ली मेट्रो की तरफ से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन ये कंफर्म कहना बहुत ही मुश्किल है कि ये रिक्रूटमेंट रियल है या फेक है। जी हां दोस्तों, अभी तक कहना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि यहां पर बताया जा रहा है 14 दिसंबर से आवेदन शुरू होंगे और यहां पर 13 जनवरी लास्ट डेट बताई जा रही है, लेकिन अभी कहना बहुत ही मुश्किल है कि ये नोटिफिकेशन रियल है या फेक है। जी हां दोस्तों, क्योंकि यहां पर एम्प्लॉयमेंट न्यूज के द्वारा बताया जा रहा है 14 से 20 दिसंबर के बीच में, लेकिन बहुत मुश्किल है अभी भी खेप पाना। अगर ये रियल होता है तो आपको बता दे कि जो इंफॉर्मेशन है ये रियल हो सकती है, अगर ये फेक होता है तो आपको किसी काम का ये नोटिफिकेशन नहीं रहेगा। लेकिन आपको बता दें, फिर भी दिल्ली मेट्रो के द्वारा यहां पर भर्ती निकाली जानी है और जल्द ही वो वैकेंसी आने वाली है। जी हां दोस्तों, इसके आवेदन भी जल्दी शुरू होने वाले हैं। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपकी लाइफ में मकसद है कि दिल्ली मेट्रो में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी के लिए अप्लाई करना और वहां पर सिलेक्शन पाना, तो आप सभी के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आपको अभी से तैयारियों में लग जाना चाहिए। तो दोस्तों, यहां पर अधिक जानकारी के लिए आप ये देख सकते हैं दिल्ली मेट्रो रेल की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पर आप जाकर के भी करियर पोर्टल पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि यहां पर कौन कौन सी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आ रही है, कौन कौन से नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। तो अधिक जानकारियों के लिए आप सीधा, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी सरकारी वैकेंसी निकलती है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं सरकार की और वहां पर जाकर के सभी भर्तियों की जानकारी लें, वहीं पर ही आपको सबसे रियल इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा मकसद था कि आपको इन्फॉर्मेशन देना कि अगर ये रियल इन्फॉर्मेशन रियल होती है तो आप इसकी तैयारी में लग जाएं, अगर फेक है तो आप इसको अवॉइड कर दें। ठीक है, तो यहां पर आप हमारी वेबसाइट पर भी आकर के सारी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।